हेलो दोस्तों, जितना गिरेगा उतना उठाऊंगा, इस तरीके का ये शेयर है। मतलब ये शेयर को अगर आपको डिप पे खरीदने का जितना मौका मिले ना, एकुमुलेट कर लेना, फ्यूचर में इतने पैसे कमाओगे आप समझ नहीं पाओगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में। इस चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन नंबर 1 इंडिया का ब्रोकिंग फर्म है। जीरो डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कस्टमर सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन शेयर है। पहले भी वीडियो बनाई थी, और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो देखिए उस टाइम इस शेयर की कीमत कितनी थी, तो केवल 900 रुपये थी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, 232 लोगों ने यहाँ देखा भी था। ओके, 6 दिसंबर को ये वीडियो बनाई थी, और इसके बाद एक गिरावट और हुई थी 4-5 लास्ट वीक। ओके, जब मार्केट नीचे आई थी तो उस टाइम ये शेयर दोबारा इस प्राइस पे आ गया था, लगभग 960-950 तक आया था। और फिर आज की अगर हम बात करें तो आज ये शेयर की कीमत अलग ही है, 1600 रुपये, और वो भी गिरावट हुई है इस वजह से। अदरवाइज ये 1700 के आसपास, देखिए आज का ही ये 52 वीक हाई है, 1789 यहाँ पर ये शेयर पहुँच गया था, और यहाँ से इसकी में गिरावट हुई, और गिरावट होकर ये 1596 रुपये पे आ गया है। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये शेयर जितनी गिरावट पे आपको मिले उतने पे उठा लेना। देखिए मैंने भी ये शेयर कहाँ पर ख़रीदा है आपको बता देता हूँ। लगभग यहाँ पर ये शेयर, यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे अगर कहूँ तो, यहाँ पर के लगभग भी अगर आप समझते हैं यहाँ पर ख़रीदा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 54-55%, मतलब मेरा 4 दिन में ही 70% का प्रॉफिट हो गया था। और अगर आप भी, आपको मैंने ये वीडियो बना के बताया था कि ये बहुत बेहतरीन शेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है। 2012 में एक कंपनी आई थी, 5 रुपये का शेयर हुआ करता था। ओके, एंड मैंने एक जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स बताया है, सब कुछ बताया है कि कंपनी ने किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट DIS ने इसे भर भर के, मतलब अगर आप बात करेंगे ना तो ट्रेडिंग की, तो ये केवल इसमें मुश्किल से 5,000 और 10,000 शेयर ही ट्रेड होते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि कोई अपना माल बेचना ही नहीं चाहता। ओके, एंड तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। और क्या काम करती है, तो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना है, डैनसन का, जोमोन, अरविंद, जाइडस, ओके, हेक्टर, ITC, इमामी, बाटा, रेक्टिव, मैरिको, गोदरेज, GSK, हिमालया, गेबर, विप्रो, बॉम्बे शेविंग। तो इट हैज़ अ टाई अप विद लॉट ऑफ ब्रांडेड कंपनी, जो जिसके प्रोडक्ट आप डेली वाइज यूज़ करते हैं। तो मैंने ये बताया भी था कि ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो जो हाथी कहा जाता है इंडिया का FMCG सेक्टर का, तो ये FMCG सेक्टर का हाथी का क्या ये शेयर है जो हाथी को भी गिरा सकता है। तो मतलब हाथी भी इससे अपना सामान बना, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपना सामान इसी से बनाता है। एक इस वीडियो को आप जाके दे जरूर देखिएगा, क्योंकि ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगा। तो इसमें आपको मैंने पूरा फंडामेंटल समझाया, बताया है कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, ओके, किस किस के साथ टाई अप है। और देखिए एक और बात, देखिए 4 दिन में तो लगभग 41% ये बड़े ही बड़ा है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर ये न्यूज़ भी दिखा दूँ ना, तो बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। ये अपने प्लांट को, ओके, ये मतलब 1000 टू अपने जो ये रेवेन्यू है एक साल के अंदर अंदर और डबल करना, जो 1000 है वहाँ 2000 करना चाहता है। इसके लिए वो लगभग 120 करोड़, 125 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है। ओके, एक नॉर्थ इंडिया में एक प्लांट आई थिंक ये लगा रहा है। अगर आप देखेंगे इन द नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया, इट होली ऑन सब्सिडी HFL, हिंदुस्तान फूड लेवर कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट, तो इट विल बी अंडरटेकिंग ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मतलब नॉर्थन रीजन में यहाँ पर ये 125 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाला है, और अपना जो इनका रेवेन्यू है, जो अभी तक एक साल में लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ था, उसे बढ़ाकर वो 2000 करोड़ रुपीज़ करना चाहता है। इसके लिए ये सब कुछ खर्च कर रहा है, और इसका कस्टमर बेस ही इतना मजबूत है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड इससे अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी का ग्रोथ जो हम मान सकते हैं ना, तो ये कम से कम आपको आने वाले टाइम में 10,000 रुपीज़ तक भी टच कर सकता है, बहुत शॉर्ट ऑफ पीरियड में भी। ओके, बट फिर भी मैं, हम शॉर्टर टाइम नहीं, हम वी आर इन्वेस्टर ऑफ लॉन्गर टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म की भी हम बात करें, तो ये आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस दे सकता है, और
आने वाले जिस तरीके से इसने यहाँ पर लगभग 85,000% के रिटर्न्स दिए ना, 31% के रिटर्न जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, इसी तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न आपको आने वाले 5 से 10 साल में दोबारा देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। तो और FMCG का है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसलिए इस शेयर की तरफ ध्यान रखना, और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको और भी अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ कि रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है। ये मार्च तक का यहाँ पर डेटा है, ओके, उसमें मैंने सितंबर तक का बता रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस में कंपनी चल रही थी 5 साल पहले, बट यहाँ पर आप रिजर्व्स देखेंगे तो अभी लगभग 170 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के पास है। बोराइंग है, थोड़ी बहुत बोराइंग है, ओके, 138 करोड़ की बोरिंग है, बट इस तरीके की कंपनी जो बढ़ती जाती है, जो अच्छे अच्छे क्लाइंट है, तो इसके लिए बोरिंग कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से ये अपने आप को फ्यूचर के लिए एक्सपेंड कर रही है, इसके लिए आपको बोरिंग देखने की भी ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए फिर भी लॉन्ग टर्म बोरिंग 130 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग केवल 8 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 3.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। और स्मॉल कैप कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ते हुए नज़र आया लगभग 38.98 करोड़ रुपीज़ के। तो हर तरीके से, हर चीज़ में ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन आती है। तो इसलिए कहता हूँ कि जितना गिरावट पे आपको ये शेयर मिलता है ना, जैसे आज जो 5% 10% गिर गया, तो आप इसे उठा लीजिए, क्योंकि ये बढ़ता भी किस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं डेली, पहले 20% का अपर सर्किट था, वो कंपनी वो SCB ने कम करके 10% कर दिया, फिर भी देखिए 10% भागा था, और आज के डेट में गिरा है तो बिल्कुल कम गिरा है। जहाँ 20-20 और 10% भाग रहा था, वहाँ आज केवल 5% और 6% ही गिरा है। तो इसलिए ये शेयर को अपने रडार पे रखना बहुत बेहतरीन शेयर है। फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, इसी मकसद से बना रहा हूँ कि आपको फ़ायदा हो सके। ये और मेरी कोई बाई और उसकी रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करके, खुद एक इसके बारे में रिसर्च करके, आप इस कंपनी में अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए 900 रुपये पे शेयर था, बताया था आज 1600 रुपये है, फिर बता रहा हूँ, और जब ये 2000 पे हो जाएगा फिर मैं आपको एक बार वीडियो बना के बताऊँगा कि किस तरीके का बेहतरीन शेयर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करिए, नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए, एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।